हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जॉन में आपका स्वागत है। DCA और ADCA कोर्स के एपिसोड नंबर 27 में आज मैं फोल्डर से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि एक फोल्डर को बनाने के बाद उसके अंदर और भी कई सारे फोल्डर को कैसे बनाया जाता है, किसी एक फोल्डर को दूसरे जगह कैसे ले जाया जाता है, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, फोल्डर का आइकॉन कैसे चेंज करते हैं, किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट की कैसे बनाते हैं, फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, फोल्डर को कैसे छुपाते हैं, और भी कई सारे जो प्रॉब्लम है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। आप फोल्डर डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी बना सकते हैं या आप माई कंप्यूटर के अंदर आकर किसी भी डिस्क के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फोल्डर कैसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला तो तरीका है कि आप यहाँ पर जो दिख रहा है न्यू फोल्डर, आप यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर नाम दे दें जो देना है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ न्यू वन और इंटर, ये मेरा फोल्डर बन चुका है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो दूसरा तरीका है फोल्डर बनाने का, वो है माउस का राइट बटन दबाएं और न्यू पर जाएं और यहाँ से फोल्डर पर क्लिक करें और इसका हम नाम देते हैं न्यू टू। ओके, और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करें। ध्यान दें, कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो चलिए हम लोग प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ में एन, तो एक और फोल्डर फिर से बन गया। इसको हम नाम देते हैं न्यू थ्री। ओके, तो हम लोग तीन तरह से फोल्डर आज हम लोग बनाकर सीख लिए हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो तीन फोल्डर बना है, इन तीनों फोल्डर का नेम हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्लिक करना होगा माउस का राइट बटन और जाना होगा रीनेम में और यहाँ से जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। चलिए एक नाम हो गया, इस पर भी क्लिक करें, रीनेम दें, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको नाम ये देता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक रीनेम और मैं इसको भी नाम दे देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग जो है से नाम दे दिए हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो DK वर्मा दिख रहा है, जब हम लोग DK वर्मा वाले फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो हम अंदर चले जाते हैं और अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर भी हम लोग फोल्डर बनाएंगे, तो वही करना है आपको, शिफ्ट के साथ में कंट्रोल शिफ्ट और एन, मतलब कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और उसके साथ आपको एन प्रेस करना है, या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन। अब यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, DK1, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन, उसके बाद DK2 कंट्रोल शिफ्ट एन, DK3 कंट्रोल शिफ्ट एन, DK4, ये मेरा चार फोल्डर हो गया। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो मेरा फोल्डर था वो था डिक्के वर्मा के नाम से, ये सब फालतू का फोल्डर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा फोल्डर है। अब इस फोल्डर में क्लिक करने के बाद मेरा क्या फोल्डर आ रहा है, 1 2 3 4। आप चाहे तो यहाँ पर और भी फोल्डर बना सकते हैं। ओके, ये पांच फोल्डर मेरे सामने आ गया। अब ये जो पहला फोल्डर है, इस पहला फोल्डर के अंदर मैं और भी एक फोल्डर बनाऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट एन, मैं यहाँ तक D1 कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, D2 कंट्रोल शिफ्ट एन और D3 कंट्रोल शिफ्ट एन, D4 ठीक है कंट्रोल शिफ्ट एन, D5। इस तरह से पांच फोल्डर हमने दे दिया। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। देखिए, डिक्के वर्मा फोल्डर का नाम है, जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो चार पांच फोल्डर आता है और ये जो पहला फोल्डर है DK1, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर पांच फोल्डर आता है। अब मैं क्या करूँगा, D1 के अंदर सॉन्ग रखूँगा। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमको माई कंप्यूटर के अंदर जाना है और जहाँ पर आपका सॉन्ग है वो उस सॉन्ग को सिलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए इसमें मेरा सॉन्ग है, मैं इतना आप सिलेक्ट कर लें। ओके, यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से खींचे और यहाँ पर जाएं और खींचे, इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करें, कॉपी करें, ठीक है, अगर आपको कट करना है तो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जाएं ये फोल्डर के पास और देखिए कि आप कहाँ थे, यहाँ थे, हाँ यहीं थे, तो इस पर क्लिक कीजिए और D1 में जाइए और इसको यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दें, या आप कीबोर्ड में कंट्रोल भी दबा सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग बैक करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं
डीके वन में जाने के बाद, डीके वन में जाने के बाद ये डी वन में मेरा सॉन्ग है। अब हम लोग डी टू में भी सॉन्ग रखेंगे, तो फिर जाएंगे माई कंप्यूटर में, या फिर देखिए यहाँ पर भी रहा है ये जो कंप्यूटर दिख रहा है, इस कंप्यूटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर इसमें जाएँ और फिर कोई और सॉन्ग को सेलेक्ट करें। अगर वीडियो रखना है तो वीडियो यहाँ सेलेक्ट करें और कंट्रोल सी से कॉपी करें और फिर कंप्यूटर में जाएं, और किस में हम लोग मेरा फोल्डर था इसमें था, उसके बाद डी के वन में था या डी वन, और फिर इसमें तो इसमें था, ये तो हम हो गया है। डी टू में जाएं और इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। तो इसमें भी पेस्ट हो गया, देखिए यहाँ से मैं बैक करता हूँ, ये देखिए डी वन में भी सॉन्ग है और डी टू में भी सॉन्ग है। ओके, आप चाहें तो इसके अंदर भी और भी फोल्डर बना सकते थे। ओके, अब हम लोग फोल्डर को हाइड करना सीखेंगे। ये मेरा फोल्डर है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फोल्डर को छुपा देंगे। तो माउस का राइट बटन दबाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और ये जो हिडन दिख रहा है इस पर क्लिक करें, उसके बाद ओके करें, और उसके बाद यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन रहने दें और ओके। जब आप इस पर क्लिक किए तो देखिए ये फोल्डर जो है वो हाइड नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा सा ये जो इसका जो डार्कनेस है वो कम गया है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर छुपाना है तो ये ऑर्गेनाइज वाले ऑप्शन पर जाएं, फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पर जाएं, व्यू पर जाएं और यहाँ देख लीजिए ये लिखा हुआ है डोंट शो हिडन फाइल, और ये वो है शो हिडन फाइल। तो आपको डोंट शो हिडन फाइल पर करना है, उसके बाद ओके करना है। देखिए वो जो फोल्डर है वो गायब हो गया है। ओके, अगर आपको उसको लाना है तो इस पर जाएं, उसके बाद फिर इस पर आएँ और व्यू पर जाएं और इसको क्लिक करें और ओके कर दें, तो वो फोल्डर फिर से देखिए आ गया है, लेकिन ये धुंधला धुंधला आती है। फिर इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसको अनचेक कर दें, उसके बाद ओके और उसके बाद ओके, तो वो पूरा आपको क्लीन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फोल्डर का आइकॉन चेंज करना। देखिए यहाँ ये मान लीजिए फोल्डर है, हम लोग इसका आइकॉन चेंज करते हैं। तो कोई भी फोल्डर पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से कस्टमाइज में जाएं, चेंज आइकॉन पर क्लिक करें और मान लीजिए ये करना है तो उस पर करें ओके। ओके, देखिए फोल्डर चेंज हो गया, फोल्डर का आइकॉन, इस पर क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, कस्टमाइज में जाएं, चेंज आइकॉन में जाएं और यहाँ से कोई चूज करके ओके। ओके, तो देखिए इस तरह से ये भी चेंज हो गया है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पांच फोल्डर है उसे हम चाहते हैं यहाँ पर भेजना। देखिए मैं चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाए, तो इसके लिए अब क्या करना है, पाँचों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, माउस का राइट बटन दबाना है, सेंड टू पे जाना है और डेस्कटॉप वाले पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जो ये जो पांच फोल्डर था ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया है, D2, D1 देख लीजिए और ये D5 और कौन फोल्डर था, ये तीन फोल्डर और ये D4, ये चार फोल्डर था, ये चारों फोल्डर यहाँ से आ गया है। अब डिलीट करना है, राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद डिलीट, ओके राइट क्लिक डिलीट, यहाँ से देखिए अब यहाँ पर जो आप डिलीट कर रहे हैं वो आपके कंप्यूटर से डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये डिलीट तो हो जा रहा है यहाँ से, लेकिन रिसाइकल बिन में जब आप जाएंगे तो सारा देखिए यहाँ से डी के वर्मा D1 D2 सब है। तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में ना जाए, ठीक है, तो आप क्या करें, कीबोर्ड में शिफ्ट, ठीक है, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाकर डिलीट मारें, इस पर क्लिक करें, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाएँ और उसके बाद डिलीट प्रेस करें। यहाँ पर लिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, मतलब जब आप शिफ्ट दबा के डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, देखिए रिसाइकल बिन में ये नहीं रहेगा, वो परमानेंटली पूरे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट की बनाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक फोल्डर है, ठीक है, मैं एक फोल्डर यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, देखिए ये मेरा फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम कीबोर्ड में ये बटन दबाएं तो ये वाला फोल्डर ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, तो इसके लिए राइट बटन दबाना है और उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है, और ये जो बना है क्रिएट शॉर्टकट की, आप ध्यान से देखें जो जो फोल्डर में या जो जो आइकॉन में अगर इस तरह से बना हुआ रहेगा तो आप समझ जाएं कि वो शॉर्टकट की बना हुआ है। अब आपको सिंपल माउस का राइट बटन दबाना है और जाना है यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है शॉर्टकट की, ये नन है, इस पर आपको प्रेस करना है, मान लीजिए सिर्फ आप दो दबाएं, मैंने दो दबाया तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंट्रोल अल्ट और दो, तो इसको ओके कर दीजिए। अब हम लोग जैसे ही कंट्रोल अल्ट और दो दबाएंगे तो वो फोल्डर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, देखिए इस ये फोल्डर में कुछ नहीं था।
अब यहाँ से देखिए कि ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन बना हुआ है, जैसे 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 मान लीजिए देखिए ये मेरा बिजनेस, ये देखिए शॉर्टकट बना हुआ है। अब अगर इसको हमको शॉर्टकट की बनाना है तो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम कर लिख देंगे 3, तो क्या लिख रहा है कंट्रोल अल्ट और 3 और ओके। जैसे ही अब आप कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट और 3 दबाएंगे तो आपका जो है गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा जो आप शॉर्टकट की सेट किए थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर और भी फोल्डर संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। ओके,